जब पहाड़ पर रेल रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विद्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो रहा है, और जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही है वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो सुविधा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे देश की नई पीढ़ी 12, 15, 18, 20, 22 साल के नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए भी ये श्रद्धा का आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वो हमारी नीति होनी चाहिए। अब हमारे दिव्यांग साथी भी इन स्थानों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं। मुझे याद है, मैंने जब गिरनार में रोपवे बनाया, 80-80 साल के माता पिता ऐसे बुजुर्ग लोग वहां आने के बाद मुझे चिट्ठी लिखते थे कि कभी सोचा नहीं था कि गिरनार पर्वत पे जाकर के तीर्थ क्षेत्रों की हम पूजा दर्शन कर पाएंगे। आज वो इतने आशीर्वाद दे रहे, एक रोपवे बनाया। साथियों, इस ताकत को कई लोग पहचान ही नहीं पाते। आज पूरा देश अपने आध्यात्मिक केंद्रों को लेकर गर्व के भाव से भर गया है। उत्तराखंड की ये देवभूमि स्वयं इस परिवर्तन की साक्षी बन रही है। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले केदारनाथ में एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख श्रद्धालु आया करते थे। अब इस जीवन सीजन में ये संख्या मुझे बता रहे हैं 45 लाख। अब देखिए साथियों, आस्था और आध्यात्म के स्थलों के इस पुनर्निर्माण का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। ये पक्ष है पहाड़ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग का, पहाड़ के युवाओं को रोजगार का। जब पहाड़ पर रेल रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं।